वो है यहाँ पे, अजगर है यहाँ पे। अरे बाप रे, तो इन्होंने बताया कि अजगर भी है। ऐसे जगह पे ट्रैवल वीडियो का इंट्रोडक्शन देने में मुझे जबरदस्त लगता है। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये सिंधुदुर्ग टूरिज्म का जो ट्रैवल सीरीज का ब्लॉग है वो अचरा के ऊपर है। जैसे आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिन से ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का देवगढ़ तालुका में काफी लोकेशंस को हम लोग कवर कर रहे थे, कुंकेश्वर, देवगढ़, पेड़गांव। तो आज हम लोग एक्चुअली कुंकेश्वर से अचरा जा रहे हैं और देखते हैं हमारा प्लान कैसा जाता है। दिस अचरा इज एक्चुअली कमिंग अंडर मालवण तालुका ऑफ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये पुणे मुंबई से 400 अराउंड किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अचरा में बेसिकली हम लोग कुछ ऑफबीट क्वाइट ए फ्यू नाइस स्पॉट्स को हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। इन बिटवीन हमें ये अचरा जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम का एक लोकेशन है उसको कवर करेंगे। तो ये जो ब्रिज के ऊपर मैं अभी एक्चुअली खड़ा हूँ, ये कुंकेश्वर से मिडवा होके अचरा तक गए हैं एंड दिस इज एक्चुअली स्टेट हाईवे 4। और ये बेहतरीन जगह, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग अमेजन के लिए पागल के जैसे पीछे पड़ जाते हैं, पर ये जगह आप सच में दिल पे हाथ रख के कहो तो ये अमेजन से कुछ कम है। अचरा में मैं आपको जैसे बता रहा था कि कुछ मैंग्रोव सफारी हम लोग ट्राई करेंगे, तो इफ दैट इज पॉसिबल देन इट विल बी माय सेकंड मैंग्रोव सफारी एज ऑफ नाउ। मेरा पिछला वाला जो मैंग्रोव सफारी था वो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड स्टेट में एक्चुअली मैंने किया था, मालवे रिवर के ऊपर ट्रिनिटी इनलेट बोल के जगह पे। एंड इफ आई एम एबल टू डू सो टुडे देन दिस विल बी माय सेकंड एक्सपीरियंस। तो बेहतरीन जगह एक्चुअली। आगे हम लोग निकलते हैं अचरा के लिए। अभी अभी आपने जो नदी देखा वो नरिंगरी नदी था। ये कुंकेश्वर से मिडवा होके अचरा जाने के जो स्टेट है ना फोन है उसके ऊपर हमारा प्लान है कि अचरा में एक कंदलबन सफारी, मैंग्रोव सफारी होते हैं, वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि सफारी लेके बैकवाटर के अंदर जाने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे एंशियंट लॉर्ड शिवा का रामेश्वर टेम्पल है अचरा में, वो भी हम लोग देखेंगे। शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम मिले तो हम लोग अचरा बीच पे जाएंगे। वैसे ही अभी कोंकण का बीच में से हम लोग निकल रहे हैं। अभी अचरा रोड से हम लोग जामदुल रोड पकड़ के आगे जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें जामदुल आइलैंड पे जाना होगा। तो ये जो अचरा का मैंग्रोव सफारी में हम लोग जा रहे थे, जामदुलवाड़ी जो आइलैंड है उस पे है। तो आप अगर अचरा रोड पकड़ के, जामदुलवाड़ी रोड पकड़ के ऐसा अंदर आओगे तो इस तरफ आप देख सकते हो बैकवाटर स्टार्ट हो गया, पर एक्चुअल जो बैकवाटर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सफारी है, वो अंदर है थोड़ा। और ये एक्चुअली यहाँ पे एक लैंडमार्क है कि जामदुल रिसोर्ट। तो ये जामदुल रिसोर्ट के बाजू से आप अंदर जाओगे जामदुलवाड़ी के अंदर, मैंग्रोव फॉरेस्ट का सफारी आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग ये अचरा कंदलवन सफारी स्टार्ट कर चुके हैं।
नमस्कार, मैं प्रमोद वाड़ेकर, मैं आजरा में रहता हूँ और मैंग्रोव का इधर एक 25 वर्ष का से आगे से इधर मैंग्रोव का कंजर्वेशन या सफर कर परवा का लोगों को। ये आजरा का कांदल वन है, ये 210 हेक्टर में फैला हुआ है, तकरीबन 7 एकड़, और अपना पूरा इंडिया में मैंग्रोव का 59 पेसिस है। तो अपने आचरा में वनस्पति के 9 कुल का 20 पेसिस है, मतलब 20 पेसिस है, और एक दो या तीन पेसिस तो सिर्फ आचरा में मिलता है। एक ज़ाइलोकार्पस ग्रेनाटम है और साइनोमेट्री इरापू है, तो इधर ही आचरा में की काड़ी में ही मिलता है। इनको तो मतलब साइंटिफिक नेम्स भी पता है प्लांट्स का। भाई वही ताज्जुब हो रहा हूँ, हमें तो पेड़ का नाम भी याद नहीं रहता है। एक 6 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायु खुद लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, वो काफी मतलब इकोसिस्टम को इकोसिस्टम हाई है करता है। अच्छा, इसके पत्ते में मछली का भी खाना है, ग्लूकोज और प्रोटीन है। बहुत से समुद्र का मछली पैदा डालने के और बच्चा पैदा करने के लिए मैंग्रोव में आता है, इसीलिए उसको मैंग्रोव को बच्ची का जन्मस्थल या पालना घर बोलते हैं। मतलब ये अंदर कितने दूर तक चले गए ये जो पेड़ वगैरह? बहुत सारे 210 हेक्टर है, लेकिन आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड, छोटा छोटा आइलैंड है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। अपना महाराष्ट्र राज्य का जंगल का आम राज्य ट्री है। हाँ, तो इधर का ये राज्य ट्री ये है। अच्छा, तो अलवाई या पांडरी जी पे। अच्छा, ऐसा करने वाले पूरा भारत में महाराष्ट्र ही पहला ही राज्य है। ओ, तो मैंग्रोव के ट्री को राज्य ट्री का दर्जा देने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 या 4 घंटे जमीन इकट्ठा करके रखता है। अच्छा, तो बड़ा बड़ा साइक्लोन तूफान महापूर वैसे किनारे की वो रक्षा करता है धूप होने की वजह से। अच्छा, इसलिए वो मैंग्रोव को किनारे का भी जीवन रेखा ऐसा बोलता है। मतलब जब ये हाई टाइड रहते हैं तो ये पानी और भी अंदर चला जाता है। अरे बाप, तो यहाँ पे मतलब स्नेक्स वगैरह साफ होगा? पानी का साफ रहता है, पान बिचवा रहता है। अच्छा, मंजर रहता है, मतलब पेड़ पेड़ में चढ़ता है वो साफ? नहीं नहीं, वो पेड़ वाला वो है, लेकिन वो दूसरा है, अजगर है। अजगर है? अच्छा, वो है यहाँ पे, अजगर है यहाँ पे। अरे बाप, तो इन्होंने बताया कि अजगर भी है। आप लोग तो मतलब जन्म से ही यहाँ पे यहाँ पे, तो ये जब पानी वगैरह रहता है तो अंदर आप लोग जाते हो कभी? जाते नाव तो अंदर नहीं जाएगा, तो आप लोग कैसे जाता है? तो इधर इतना कीचड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में ऐसे चलते चलते जाते हैं, लेकिन हम भी कभी कभी हो जाते हैं अंदर। अच्छा, इतना इतना ज्यादा है। तो एक चीज मुझे मतलब कहीं पे मिला था कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, इसमें कुछ मतलब पॉइजन है, प्लांट पॉइजन है उसमें? एक जो कोरिया आधा लोका या उर्सी बोलता है। अच्छा, मतलब पॉइजन है? पॉइजन है, मतलब वो उसका चीक लगा तो ऐसा सूजन आता है। अच्छा, ज्यादा उसका रस भी पी लिया तो आदमी मर भी सकता है। मर भी सकता है? हाँ। बढ़िया है, इतना शांत माहौल है ना, मतलब मुझे तो पत्ते की आवाज भी सुनाई दे रहा है। ये जो बैकवाटर का कुछ अलग सा नाम है? आचरा का खाड़ी ही ना। आचरा का खाड़ी है। हाँ, इस तरफ देवघर है, इस तरफ मालवा। हाँ, अच्छा, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है, तो अभी हम लोग ये खाड़ी से जा रहे हैं। हाँ, ये मालवन में आता है। हाँ, खाड़ी से ही जा रहे हैं। बरसात के टाइम पे ये सफारी होता है? और बरसात में भी होता है। होता है, होता है, होता है, बारिश देखे, लेकिन बैक वाटर में कुछ तकलीफ नहीं होता है। और इधर ये तो ये सब हवा, तेज हवा पर ये अपने खुद ये ले लेता है। अच्छा, तो सुरक्षित रहता है। अच्छा अच्छा, मैंग्रोव की वजह। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच से सफारी करते करते हम लोग ये समंदर की तरफ अभी जा रहे हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं समंदर का ओपन स्पेस। ये सामने समुद्र बंदर दिखा आपको, और इस तरफ है अचरा बीच, और ये मैंग्रोव के अंदर फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं। तैर के गए, अब यहाँ पे थोड़ा वेव्स ज्यादा है, इसलिए थोड़ा नाव ऊपर नीचे हो रहा है। सफारी खत्म करके हम लोग वापस आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहीं पे गाड़ी को पार्क करके हम लोग सफारी पे गए थे मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, फिर उस तरफ से घूम के हम लोग समुंदर से थोड़ा व्यू लेके अभी वापस आ गए यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, तो आप भी जरूर बताना ये एक्सपीरियंस आपको कैसे लगे। तो ये जो अचरक का मैंग्रोव सफारी है, ये अभी हम लोग ख़त्म करके थोड़ा बहुत शूट करके यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने एक्चुअली हमारा जो सफ़र था बहुत अच्छी तरह से करवाया। इनका जो लोकेशन है बोलने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरा जो डिटेल्स है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का। वाडेकर काका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वाडेकर काका जी। नमस्कार। इनका मतलब मुझे जो अच्छा लगा कि मैंग्रोव सफारी तो एक मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, दूसरा है कि जो सफ़र में हम लोग गए थे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला एक्चुअली। अभी हम लोग अचरा मैंग्रोव सफारी करके अचरा में एक्चुअली जो एंशियंट लॉर्ड शिवा का टेंपल है रामेश्वर टेंपल वहाँ पे जा रहे हैं, और ये जमदलगुड़ी का आइलैंड है एक्चुअली। तो जमदलगुड़ी रोड पकड़ के अभी हम लोग अचरा रोड पे जाएंगे, वहाँ से रामेश्वर टेंपल। और ये है अचरा का श्री रामेश्वर शिव जी का देवस्थान। तो अभी एक्चुअली हम लोग मैंग्रोव जो सफारी था कंदनबन सफारी अचरा में वो करके हम लोग ये अचरा के रामेश्वर देव संस्थान पे आए हैं। तो यहाँ पे मंदिर थोड़ा दर्शन करके हम लोग ट्राई करेंगे कि अचरा बीच पे जाने के लिए। तो गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, थोड़ा मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग देखते हैं। ये अचरा में जो रामेश्वर या शिव जी या महादेव जी का जो मंदिर है, इसके अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग एक्चुअली बाहर से ही थोड़ा बहुत शूट कर लिए। तो इनका जो हिस्ट्री है कि कोल्हापुर कर ये अचरा का जमीन को ये रामेश्वर देव को एक्चुअली गिफ्ट किया था। तो लोग कहते हैं कि ये जो अचरा का विलेज का जो जमीन है या ये टोटल एरिया है, ये रामेश्वर महादेव जी का ही है एक्चुअली। ही इज द लैंड ओनर ऑफ दिस एंटायर अचरा विलेज। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हर 3 साल पे ये जो अचरा विलेज है, अचरा गाँव है, यहाँ पे गाँव पलान बोल के एक कुछ कस्टम्स यहाँ पे होते हैं, जिसपे एक्चुअली क्या होता है कि गांव के जितने सारे लोग हैं हर 3 साल के बाद 3 दिन के लिए गांव छोड़ के पूरा बाहर चले जाते हैं, और फिर वापस आते वक्त भगवान जी के साथ प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान ने परमिशन दिया तो फिर वापस आते हैं गांव में। अभी आचरण कंगनबन सफारी मैंग्रोव सफारी करके हम लोग ये रामेश्वर मंदिर पे आए थे। अभी यहाँ से हम लोग जो अचरा बीच है वहाँ पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं मतलब थोड़ा बहुत प्लान इधर उधर हो रहा है, बट एज ऑफ नाउ गोइंग गुड। अभी एक्चुअली मैं खड़ा हूँ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का मालवन तालुका के अंदर ये अचरा सी बीच पे। तरफ जो क्लिप मुझे दिख रहा है, क्लिप के ऊपर लाइट हाउस है, और क्लिप के थोड़े आगे एक्चुअली बैकवाटर फॉर्म करके अंदर चले गए। तो उसी बैकवाटर के अंदर हम लोग दोपहर में कुछ देर पहले वो मैंग्रोव सफारी किए थे, और मैंग्रोव सफारी करते वक्त भी हम लोग बोट लेके ये सी शोर तक आए थे यहाँ पे। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सी बीच। आज हम लोग अचरा में काफी कुछ किए थे, मतलब वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो हम लोग मैंग्रोव सफारी किए, उसके बाद हम लोग टेम्पल, फिर यहाँ पे हम लोग आए बीच पे, और अभी सनसेट होने वाले हैं। वेरी फैंटास्टिक। तो कोकण में हम लोग
काफी दिनों से एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स को, और आज का हमारा जो ट्रैवल व्लॉग था अचरा के ऊपर मालवण तालुका में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही अच्छे से हम लोग एंजॉय किए ऑल थ्रू आउट द डे। और हमारा जो पिछले कुछ ब्लॉग्स है ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफी कोंकण लोकेशंस को हम लोग कवर किए हैं। डेफिनेटली आप देखना मत भूलना, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एज यूजुअल स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।